शेर। राजस्थान का वो जिला जहां तपती रेत, उड़ती धूल, कटीली झाड़ियां और खेती के लिए तो दूर, पीने के लिए भी पानी की मुश्किल जिंदगी का हिस्सा है। ऐसे में खेती एक बड़ी चुनौती है। इसके बारे में सिर्फ वही सोच सकता है जिसके पास भरपूर हौसला हो, जो अंदर से मजबूत हो और जिसे अपने आप पर विश्वास हो। और ऐसी हर कसौटी पर खरे उतरते हैं सदुला राम चौधरी, जो बरसों बरस से यहां खेती कर रहे हैं। लीक से हटकर चलने वाले सदुला राम चौधरी की पूरे इलाके में एक अलग पहचान है। सदुला राम ने अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से खेती का तरीका ही बदल दिया। इधर पानी नहीं था, इधर लोग खेती नहीं करते थे। बोरिंग किया, उसके अंदर वो ढोलकी से बोरिंग होता है और फिर पाटन से मोटर लाना, या मतलब खेती करना समझो कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। दिन रात काम पर जुटे, इसके बावजूद एक ओपन बोरवेल बनाने में सदुला राम को पूरे 15 दिन लग गए। 50 आदमी हम रोज उस रुको लकड़ को ऐसे कूटना पड़ता था। वो एक लकड़ होता है लंबा, उसके ऊपर रख करके फिर दहीड़ 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 फिर बाहर निकालो, फिर कूटो। ऐसा करके हमने कितना किया, 40 फुट बोर किया। लेकिन कुछ ही समय बाद नई चुनौतियां आने लगी। बार बार पंप खराब हो जाता था और लंबा पाइप न होने की वजह से पानी भी दूर तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन हिम्मत का नाम ही शायद किसानी और सदुला राम चौधरी है। टफ हरदम, रात दिन कड़ी मेहनत करके छोटे पाइपों की मदद से क्यारियां बनाकर फसल तक पानी पहुंचा ही दिया। हर दम कुछ नया सोचने वाले सदुला राम ने कृषि तकनीकों के प्रयोग में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 1999 में उन्होंने अपना पहला ट्रैक्टर खरीदा, जो महिंद्रा का था। सोच थी कि मेहनत को जब तकनीक का साथ मिलेगा तो पक्का है कि नतीजा बढ़िया ही आएगा। 99 में हमने एक ट्रैक्टर ले लिया महिंद्रा का, तो उससे खेती करने शुरू की, तो उसकी ताकत मिली, आमदनी बढ़ी तो आत्मविश्वास भी बढ़ा। और हरदम कुछ नया सोचने वाले सदुला राम ने एक नया प्रयोग करने की ठानी। ये प्रयोग था बाड़मेर में खजूर की बागवानी का। इलाके के हर किसान ने इसके लिए मना किया। सदुला राम कहां मानने वाले थे, ठान लिया तो ठान लिया। गुजरात के कच्छ की तर्ज पर उन्होंने खजूर के पेड़ लगा ही दिए, और ऐसा करने वाले वो तब अकेले किसान थे। टफ हरदम, मेरा तो जुनून था कि मुझे हर हाल में इसको सफल करना, चाहे 5 साल लगे ना, ये तो जुनून था। तो तीसरी साल मतलब जो फल आएगा, मैंने कहा ठीक है। आखिरकार सदुला राम का जुनून, जोखिम और नया प्रयोग रंग लाया और उनका नाम राजस्थान में खजूर की बागवानी को सफल बनाने वाले किसानों में शुमार हो गया। आज की तारीख मेरे पास टॉप 10 वेराइटी है मेरे पास खजूर की, और अब मेरा मार्केट ऐसा जम गया है, मेरा खुद का ब्रांड बन गया है। सदुला राम की पहचान अब एक सफल और प्रगतिशील किसान के रूप में होती है। जो किसान इन्हें बागवानी से बचने की सलाह दिया करते थे, आज गुरु मंत्र लेने आते हैं। वो तो यही बोलते थे कि भाई खारक अपने इलाके में नहीं हो सकती, कभी नहीं हुई तब कैसे, लेकिन मुझे पता था कि होगा, होना ही पड़ेगा, और हुई। टफ हरदम, सदुला राम ने कभी हालात से समझौता नहीं किया, बल्कि उनका सामना किया, नया सोचा, अलग सोचा, अपनी मेहनत पर भरोसा किया और हमेशा खेती की नई तकनीकों को तरक्की का साधन माना। जोखिम लिया, आंधी मौसम धूल सर्दी गर्मी दिन और रात कुछ नहीं देखा और सब कुछ बदल डाला। कई सम्मानों से नवाजे गए, लेकिन आज भी वो रुके नहीं है। हमेशा दौड़ने भागने को तैयार, कुछ नया करने को तैयार, कोई जोखिम लेने को तैयार, किसी भी नई चुनौती के लिए तैयार। क्या होता है एक किसान, इसका प्रतीक और पहचान टफ हरदम।